खबर चमोली कर्णप्रयाग से। जनपद चमोली के नगर पालिका कर्णप्रयाग के अंतर्गत अपर बाजार में हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान के पिछले हिस्से में लगातार हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए टीवी स्थानीय लोगों के एक शिष्टमंडल ने उपजिलाधिकारी से भेंट की। स्थानीय अनिल खंडूरी, वल्लभ प्रसाद खंडूरी, नरेश चंद्र खंडूरी, हरिकृष्ण भट्ट आदि का कहना है कि वर्ष 2013-14 से उक्त स्थान में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका से कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जबकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में उन्हें रत जगह होना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से उक्त स्थान पर सुरक्षा दीवार लगवाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश देने की बात कही है। सर, मैं इस समय रामला मैदान के बगल पर खड़ा हूँ। मैं अनिल खंडूरी आपको अपने मकान के पीछे के दृश्य दिखा रहा हूँ। 2013 के आपदा के बाद यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ था। 2013 में शासन द्वारा हमें ये मुकदमा खाली करने का आदेश दिए थे, लेकिन 2013 से 2021 के बीच इस जगह पे कोई भी किसी भी शासकीय नवीन दो दिन के बारिश में इतना भूस्खलन हो सकता है साहब? अभी तो 3 महीना पड़ा हुआ पूरे बारिश का, हमारे इन आवश्यक मकानों क्या होगा? मेरे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब से, एडीएम साहब से, नगर पालिका से करवट निवेदन है कि इस जगह को रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें इस जगह मजदूर खाली करनी पड़ेगी और नहीं हो पाएगा साहब। हम तो पूरे बच्चों सहित जो है धरने बैठ जाएंगे, इसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान कि पास जो भूस्खलन हो रहा है, उसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो वहाँ पर बस लगातार पत्थर गिर रहे हैं, उससे काफ़ी मकानों को खतरा है। तो इस संबंध में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगर पालिका कर्णप्रयाग है और भू संरक्षण अधिकारी, इनसे वार्ता करके इनको इनसे पत्राचार किया जाएगा और संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, यह है कि जब 2013 में गढ़वाल में आपदा आई थी तो अपर विहार रामला मंच से लेकर हनुमान मंदिर मस्जिद मोर्चा तक पूरा भूस्खलन हुआ था। उस समय हमको सरकार द्वारा मकान खाली करने का नोटिस दिए गए थे, लेकिन 2013 से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी हम खतरे की जद में हैं। कल और परसों के अधिक बारिश होने का हमारे मकान के जो चार चट्टान खिसक रही है, उसमें हमारे आवश्यक मकान को खतरा है और उसके साथ हमारे बच्चे भी रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा डर बना रहता है कि कब हमारा मकान जो है यहाँ से टूट जाए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली कर्णप्रयाग उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।